हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइब्रेरी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये जो सीड तैयार हो गए हमारे प्लांट पे, उन्हीं को मैं कलेक्ट करने वाली हूँ। ये उसी पर वीडियो है, आइए लास्ट तक बने रहे चैनल पर। ये देखिए, ये बर्बीना का प्लांट है, इससे मैं आज सीड पोट इससे लेने वाली हूँ, तो कलेक्ट करने वाली हूँ सीड को। तो देखो, इसके जो सीड पोट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ये फूल सूख जाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाते, और इसी में जो है सीड इसी के अंदर रहते हैं। और इसका सीड कोई गोल तो होता नहीं है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसा होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ मैंने निकाल के रखे हैं। और ये देखो, इसके अंदर से जो निकलेगा वो कुछ इसी तरह निकलेगा जैसे ये रखे हुए हैं, ये इस तरह का, ये दाना, ये इसका सीड पोट होता है। और इसका गोल दाना नहीं होता, हम इसको लकड़ी समझ के फेंक देते हैं, मगर ये लकड़ी नहीं होती, यही इसके सीड पोट होते हैं इस टाइप से। और इस तरह से जैसे ये पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर से निकलते हैं। और बाकी जितने हमें सीड चाहिए वो हम ले लेंगे इससे, प्लांट से। और बाकी ये जो सूखी पत्तियाँ, इनको निकाल देंगे, ये सूख जाती हैं और फिर नई नई ब्रांच इसमें बनती रहती है। और अभी तो ये अप्रैल मई तक ये फूल देगा, तो ये जितनी नई ग्रीन ग्रीन आ रही हैं ये ब्रांच, तो इनको एनर्जी मिलेगी अगर हम इनको निकाल देते हैं सूखी पत्तियाँ। तो मैंने देखो एक की निकाल दी है, मैं ऐसी करती हूँ हर बार, और ये मेरे पे कई बार, मेरे प्लांट पे कई बार फूल आ चुके हैं। फिर देखो बड्स इस तरह बनने लग जाती है और फूल आते रहते हैं। अगर हमें ज़्यादा फूल लेने और ज़्यादा दिन तक लेने तो ये वाला ये काम हमें करना ही पड़ेगा, ये सूखी पत्तियाँ सारी निकालनी पड़ेगी। और मैंने बर्बीना की देखो ये सारी पत्तियाँ और सारे सीड्स इससे निकाल लिए हैं, क्योंकि वो इसमें एनर्जी ले रहे थे जो सूख गए। मुझे जितने सीड्स चाहिए थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं इससे। और ये पिटोनिया का है, इसका भी मैं सीड पोट लूँगी। तो इस पे देखो इस तरह का होता है ये सीड पोट, इसका सूखने के बाद ये तैयार है एकदम। इसको हम ले सकते हैं जब पीला ये ब्राउन हो जाए, और ये अगर हम इसे नहीं लेंगे तो ये क्या होगा, ये फट जाएगा और बीज इसमें से सारे देखो फटना शुरू हो गया। जब फटना शुरू हो जाता सीड पोट और ऐसे सूख जाता है, तो उसको अगर हमने सीड लेने हैं तो अभी ले सकते हैं इसको। मैं भी इसको लेने वाली हूँ, और इसमें बहुत सारे, कम से कम 100-150 एक सीड पॉट में इसमें पिटोनिया के, तो कम से कम 100-150 सीड निकलेंगे इसमें। एक सीड पॉट भी हम रख लेते हैं तो इसका काफ़ी सारे इसके प्लांट बन जाते हैं आगे अगले सीजन में। तो हमारे ये जो है अगले सीजन में फ्री में ही प्लांट तैयार हो जाएंगे। और मैं इसका भी, ये जो होता है अफ्रीकन डेजी, इसका भी सीड पॉट लेने वाली हूँ। तो देखिए, अगर हम नहीं लेते तो देखो ये सूखता है, और ये सारे इसके सीड्स होते हैं इनसे निकल के बाहर हो जाते हैं। और मैं देखो, ये अफ्रीकन डेजी है वाइट वाला, मैं इससे भी सीड पॉट ले रही हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ ये सीड्स कैसे होते हैं। इसमें काले ऐसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, देखो ये जीरे जैसे होते हैं, सोप या जीरे जैसे, ये मोटे मोटे से जो है ये इसके सीड्स हैं। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह के होते हैं, और किसी पे चार निकलते हैं, किसी पे पांच। और ये तो इसमें, अगर हम इसी पे छोड़ देते हैं प्लांट पे इनको सीड को, तो ये सारे ही निकल के बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये सीड पोट इस तरह से आप ले सकते हो। ये देखो मेरे काफ़ी सारे सीड पोट इसके निकल गए हैं, क्योंकि अभी इतने फूल आए थे इस पे, तो इसको मैंने रिमूव नहीं किया था इसीलिए, क्योंकि मुझे सीड इसके चाहिए थे। अभी फ्लोवर ये देते रहेंगे, क्योंकि अभी इस पर काफ़ी सारी देखो ब्रांचेज हैं, इन पे सभी पे फूल आने वाले हैं इन पे, तो ये अप्रैल मई तक तो इन पे आएंगे ही आएंगे। मेरे पास डॉग फ्लावर के दो प्लांट थे, एक ये रेड कलर का था और एक ये मेरे पास पिंक कलर का था। ये बिल्कुल सूख गया, क्योंकि ये मैंने छत पे रख दिया था, तो इसमें पानी नहीं दे पाई बीच में, तो ये सूख गया। और इस पर सीड पॉट तैयार हो गए हैं बनके, ये देखो ये जो सूखे हुए हैं इनमें सब में जो है सीड निकलेंगे, और हम सीड ले सकते हैं इनसे। तो ये मैंने कुछ निकाले, देखो कितना बारीक दाना होता है, और इसका बहुत बारीक होता है, कितने सारे निकलते हैं ये देखो इस तरह से, बहुत सारे निकल जाते हैं इसमें। और ये बिल्कुल पका हुआ है, ये तैयार है सीड पॉट, हम इसको जो है सेव कर सकते हैं अगले साल के लिए। ये देखो कितने सारे हमारे प्लांट फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। और ये सालविया का प्लांट है, इसके इसमें भी सीड पोट तैयार हो गए। ये देखो मैं दिखाती हूँ इसका सीड कैसा होता है, तो इसमें तो एक ही निकला, एक या दो होगा, एक और भी है शायद। तो इस तरह हम इनके सीड ले लेते हैं, ये देखो एक और निकला,
इनमें ज़्यादा नहीं निकलते, 3-4 ही निकलते, इसके थोड़ा सा मोटे होते हैं ये देखो। और मैं अभी इसके जरवेरा के भी लूँगी, ये मेरे पास ये है कलर, इसका 3-4 है मेरे पास। अब ये देखो ये बिल्कुल सूख गया है, तो अब इसको ये प्लांट पे पूरा ये इसका सीड तैयार हो गया सूख के, अब इसको हम ले सकते हैं। देखो इस तरह से ये झड़ने लग जाता है, ये ऐसे बन जाता है, तो समझ लो ये सीड पॉट इसमें तैयार हो चुका है। तो ये बिखरने लग जाता है, अगर हम इस पर छोड़ देंगे तो ये जो है ये फिर बिखर जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे, पत्ती ये निकाल देंगे, ये जो पत्तियाँ होती हैं फूलों की ये निकाल देंगे सूखी। और इसको जो ये होता है ये बहुत हल्का होता है, इसका ये देखो हवा में उड़ना शुरू हो गया, तो ये इसका फ्लोवर होता है। फ्लोवर के अंदर से ये जो होता है ये पत्तियाँ सारी निकाल देंगे, और ये जितना है ये देखो ये सब सीड है इसका। तो ये भी मेरे पास, इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया, और आगे बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे इसी से। अभी देखिए मैंने ये 6 फ्लोवर प्लांट के सीड्स कर लिए हैं, इकट्ठे कलेक्ट कर लिए। ये देखो ये इसका डॉग फ्लोवर का है, और ये सालविया का देखो ये फ्लोवर भी रखे हैं साथ में, और ये है हमारा पिटोनिया का। बहुत बारीक होता है पिटोनिया का, हवा में उड़ जाते हैं, अगर आप हवा में रख दोगे इसको या फूंक भी मारोगे तब भी उड़ जाएंगे, इतना बारीक होता है। और ये हमारा अफ्रीकन डेजी का, और ये हमारा ये देखो ये फ्लोवर भी रखा है बर्मीना का, बर्मीना के ऐसे होते हैं। और तो मैंने उसी से कलेक्ट किया है, देखो ये तो मैंने इतने कर लिए हैं, और आगे भी मेरे जो भी सीड तैयार होंगे सीड पॉट फ्लोवर के, तो मैं अब की बार तो काफ़ी सारे मेरे जो है फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। और इस बार तो मैंने इस सीजन में तो विंटर में तो सारे खरीदे थे, मगर अगले साल मेरे फ्री में ही बन के तैयार हो जाएंगे, और मैं इनको सभी को सेव कर लूँगी।